संत कबीर महाराज के नमस्कार दोस्तों, जम्मू कबीर मैं हूँ आपके साथ। चाचा ना कबीर महाराज जी का 626वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। कब आयोजित होगा कार्यक्रम और किस तरह कार्यक्रम होगा इस पर हम बातचीत करेंगे। सर कब होगा कार्यक्रम और किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? एकता और समता के प्रतीक परम संत सतगुरु कबीर साहब जी का शेषो जो 26वां प्रकाश उत्सव है, जैसे मेरे साथी ने अभी बताया कि वैसे तो ये एक महीने से लगातार ये प्रोग्राम जो है ये ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो इस बार का जो प्रोग्राम है पहले प्रोग्राम से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमारे जैसे 3 प्लेटफार्म थे, भक्त महासभा, जैन के यूनिट, सतगुरु कबीर सभा, उसके बाद मेघ सुधार सभा, ये हम अलग अलग प्लेटफार्म पे इस दिन को मनाते थे। इस बार जो हमारा एक यूनानिमसली जो फैसला हुआ है कि हमने कलेक्टिवली इस प्रोग्राम को इस बार मनाने का एक फैसला लिया है। और ये जो प्रोग्राम है हमारा जो हेडक्वार्टर मेघ सुधार सभा का सतगुरु कबीर जो मठ है हमारा ओल्ड रिहाड़ी में, वहाँ पे इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है। और इसमें आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, आपके माध्यम से हम सभी कबीरपंथी मेघ भक्त साथियों को ये अपील करेंगे कि उस दिन वहाँ पे आकर तो जो हमारे परम संत सतगुरु कबीर साहब जी का जो एक वाणी है उसे हमारे महंत अजय दास जी जो झारखंड से हर साल आते हैं, तो वो कबीर साहब की फ़िलासफी के ऊपर, कबीर साहब की वाणी के ऊपर, कबीर साहब की सोच के ऊपर वो आई हुई संगत को वो निहाल करेंगे। तो फिर हम एक बार 11 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और 12 बजे तक तकरीबन हमारा वो सत्संग होगा। उसके बाद जो वहाँ की जो पुष्पांजलि का जो प्रोग्राम होगा कबीर साहब को अर्पित करने का वो चलेगा, और उसके बाद गुरु का लंगर जो है वो वहाँ पर किया जाएगा। तो हम फिर एक बार आपके माध्यम से सभी कबीर प्रेमियों को अपील करना चाहेंगे कि उस दिन 22 जून को सैटरडे 11 बजे पहुंचकर तो वहां पे सतगुरु कबीर साहब की वाणी को सुनकर तो हम एक निर्णय लें, एक प्राण लें। जो कबीर साहब ने एक सपना देखा था कि जो देश में, मेरे देश में जो एक जातिवाद है, फिरका प्रस्ती है, चाहे ऊंच नीच का जो सिस्टम है, तो उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। उस टाइम आज से 600 साल पहले कबीर साहब ने इस पीड़ा को समझते हुए उन्होंने ये काफ़ी ज़ोरों से लोगों को समझाने की कोशिश की। तो आज आपके सामने है कि कबीर साहब की वाणी के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और आज मेरे देश का जो नक्शा है वो उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसी के साथ जय कबीर, धन कबीर साहब। देखिए 22 जून को ये कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें झारखंड से जो हैं वो अजय दास महंत जो हैं वो यहाँ पर आके सत्संग करेंगे, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। कैमरामैन नवीन चौधरी, चाचा ने जम्मू कबीर।